बटाला दे नज़दीकी लुधियाना दे महला च सगे भरा भरजाई वालों विधवा ननान दे घर दाखिल हो के ननान की मारकुट की गई, जिस विच ननान दे काफ़ी सट्टा बचिया ने। इस मौके विधवा सतनाम जो कि पति की मौत तो बाद कबाड़ इकट्ठा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, तो बीते दिनी उसके सगे भरा दे भरजाई वालों झगड़ा करते हुए उसके घर अंदर दाखिल हो के उस नाल मारकुट की गई, तो इस मारकुट के चलदे वह गंभीर रूप में जख्मी हो गए। मेरा हस्बैंड की 4 साल हुई डेथ हुई, तो ये 8 तारीख की लड़ाई थी, तो कोई बातचीत नहीं थी। सवेर का लड़ी जरा लड़ जरा लड़ा, तो मैं घर आई काम करके, घर आते साथ ही अपना परिवार लेके मेरा भरा भरजाई, तो उनका पूरा फैमिली मुझे मारा आके, मेरा बहू को मेरे को, तो मेरा बच्चा घर पे नहीं थे। जब लड़ाई हो रहा था, मारपीट हो रहा, मेरा दोनों बच्चे बाद में आया, तो मेरे बच्चे को भी ये दोनों पड़ गया। तो फिर मेरा बच्चा बोलने लगा चल मम्मी थाने चलते है। फिर थाना जाके मैं पर्चा दे आया, तो ये लोगों ने मेरे पीछे अपना आप सिर फाड़ के तो अस्पताल भर्ती हो गया। तो उन्होंने मेरा मतलब कि सुनाई के जगह पे उनकी सुनाई कर रहा है कि मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पर्चा उल्टा आपके ऊपर हो गया? हाँ, मेरा ऊपर कर दिया पर्चा, ऊपर से 40,000 रुपया मेरे ऊपर इंजाम दे रहा कि 40,000 रुपया दो, फिर जाके हम केस रफा दफा करेंगे। कौन मांग रहा है 40,000? वो मेरा भाई का बेटा कालू। कारण क्या रहा इस झगड़े का? बोलता कि उनकी सिर फोड़ो मैंने, पर मैंने हमने कोई सिर सुर नहीं फोड़ा, पर उन्होंने मेरे को घर पे घुस के मार के गया, मैंने नहीं मारा। उथे ही विधवा सतनाम दी भरजाई माया ने झगड़े का दोष उल्टा अपनी विधवा ननान ते लगाते हुए कहा कि ननान दे बेटे ने उन्हां दी बहू ते हमला करके उसनु जख्मी किया है, जिस तो बाद झगड़ा वध गया। कुछ नहीं हुई, वही हिमाचल वाला वो लड़की वाला बात है। उसके बाप ने, लड़के का बाप ने बोला लड़की लेके भाग जाना, मैं पुलिस थाना देख लूंगा। ठीक है, मेरी बहू ने आके पूछा जे हाँ भाई तुमने बोले थे, उसने बोला हमने नहीं बोले। तो बोला उस अपनी ननान के साथ आपका कैसे झगड़ा होया? ननद के साथ नहीं कोई झगड़ा होया, ननद की बहू ने गालियां दिया हमारी पोतियों को, बोलता रंडिया पैदा करो तुमने, तो आप पहले बताओ कोई अपने बेटियों को कोई गाली देगा? कोई सास से सुनेगा पोतियों का बारे में? पहले बताओ, कोई नहीं सुनता। ऊपर से फिर बाद में उन लोग गाली गुप्ता देके आप पे हाथापाई करे उन लोग खुद ही। बाद में लड़के, हमारे लड़के तो काम पे गए थे, हमारे से कोई ना, हम जनानी जनानी थे, उसके लड़के पीछे से आकर बाहर करे उड़ने। जबकि संबंधित थाना धारीवाल दे SHO हरजिंदर कौर ने कहा कि इस मामले नु लेके तफ्तीश की जा रही है ते बांधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बंदे SI पलविंदर कुमार जो है वो इस मैटर नु डील कर रहे हैं, उन्होंने मैटर जेड़ा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इस पर लो जो भी स्टेटमेंट पार्टी दिंदी है, जो रिपोर्ट्स आंदियां ने मेडिकल रिपोर्ट्स, उस अकॉर्डिंग जो बनती कार्रवाई है वो अमल में ली जाएगी।